हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। लेटेस्ट स्टॉक अपडेट में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं जयप्रकाश पावर वेंचर्स लिमिटेड की, यानी जेपी पावर की। दोस्तों, जेपी पावर के अंदर अगर आप देखोगे तो पिछले कुछ टाइम में यहां पे गिरावट देखने को जरूर मिल रहा है। 5 डेज में स्टॉक है जो 8.745% स्टॉक है जो ऑलरेडी टूट चुका है। एक महीने की अगर हम बात करें तो एक महीने में 2.99% की तेजी भी देखने को मिल रहा है। दोस्तों, यहाँ पे जेपी पावर के अंदर अगर आप देखें तो यहाँ पे बहुत ज्यादा गिरावट देखने को नहीं मिला है, लेकिन अदर कंपेयर टू इस स्टॉक को छोड़ दिया जाए और दूसरे स्टॉक की अगर हम बात करें तो यहाँ पे बहुत सारे ऐसे स्टॉक है जो बहुत ज्यादा गिरावट देखने को मिला है उसके अंदर। लेकिन यहाँ पे स्टॉक मार्केट में अगर आप देखोगे, सेंसेक्स है जो यहाँ पे 80,000 से नीचे आ गया है, निफ्टी में गिरावट है, सारे यहाँ पे एक तरह से देखें तो पूरे मार्केट क्रैश हो रखा है, लेकिन फिर भी यहाँ पे इस स्टॉक के अंदर बहुत ज्यादा फॉल देखने को नहीं मिल रहा है। दोस्तों, यहाँ पे अगर हम बात करें तो मंडे के सेशन में भी यहाँ पे मार्केट में गिरावट देखने को मिल सकता है, और आपको पता ही होगा बेसिकली नाइट की अगर हम बात करें आज की, तो यहाँ पे इजराइल ने ईरान के ऊपर स्ट्राइक किया है, एयर स्ट्राइक किया है, तो यहाँ पे इसकी वजह से यहाँ पे मार्केट में जो सेंटिमेंट रह सकता है यहाँ पे निगेटिव रह सकता है। और यहाँ पे जयप्रकाश पावर वेंचर्स लिमिटेड की अगर हम बात करें तो आज के डेट में अगर हम बात करें तो Q2 क्वार्टर का रिजल्ट्स कंपनी यहां पे पब्लिश करते हुए दिखाई दे रही है। तो यहां पे Q2 क्वार्टर के रिजल्ट्स में यहां पे कंपनी किस प्रकार से यहां पे एक तरह से रिजल्ट्स पेश करती है अपने शेयर होल्डर के लिए, सब कुछ उसके ऊपर डिपेंड करेगा। और यहां पे मुझे लगता है कि इस स्टॉक में जो गिरावट है ये एक अपॉर्चुनिटीज है इस स्टॉक के अंदर अभी के टाइम पे भी खरीदारी करने का। दोस्तों, मैं यहाँ पे किसी भी प्रकार के एक तरह से इन्वेस्टमेंट रिकमेंडेशन नहीं दे रहा हूँ, लेकिन इतना जरूर कहूंगा कि आप अपने एनालिसिस के आधार पे ही किसी भी स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करें। यहाँ पे दोस्तों, आप वीडियो को अधिक से अधिक लाइक करके चलें और साथ में अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। अगर आप नए हैं तो यहाँ पे चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर चलिएगा। दोस्तों, यहाँ पे यह स्टॉक अगर आप देखोगे तो एक साल में स्टॉक है जो 101% का रिटर्न दे चुका है, यानी आपके पैसे को यहाँ पे डबल करता हुआ नजर आया है एक साल के अंदर अंदर जयप्रकाश पावर वेंचर्स लिमिटेड। दोस्तों, यहाँ पे जेपी पावर की जो बात कर रहे हैं, यहाँ पे एक तरह से अगर आप देखें तो यहाँ पे जेपी पावर कंटिन्यू क्वार्टरली रिजल्ट्स में एक अच्छी उछाल यहाँ पे दिखाता हुआ नजर आया है, जो यहाँ पे एक तरह से इसके लिए एक तरह से शेयर होल्डर के लिए पॉजिटिव पॉइंट है। अगर आप देखें मार्च क्वार्टर में तो 589 करोड़ का यहाँ पे कंपनी ने नेट प्रॉफिट किया। सेम चीज है जून क्वार्टर की अगर हम बात करें तो 349 करोड़ का यहाँ पे कंपनी ने प्रॉफिट किया। लेकिन यहाँ पे अगर हम बात करें दिसंबर क्वार्टर की, तो यहाँ पे भी 173 करोड़ का कंपनी ने नेट प्रॉफिट किया। तो कंटिन्यू कंसिस्टेंट यहाँ पे प्रॉफिट करती हुई दिखाई दे रही है। अगर बीते 4 क्वार्टर की अगर हम बात करें तो खास करके कंटिन्यू यहाँ पे बढ़ोतरी देखने को मिला है। यहाँ पे जून 2023 में भी कंपनी यहाँ पे अच्छी खासी प्रॉफिट की है, और लेकिन जून 2023 से 2024 में कंपेयर किया जाए तो इनकी जो प्रॉफिट है बहुत तेजी से उछाल देखने को मिला है प्रॉफिट के अंदर, और इनकी एक तरह से सेल्स में माइनर अमाउंट में यहाँ पे तेजी देखने को मिला है। मार्जिन में बहुत बढ़िया यहाँ पे इजाफा होता हुआ नजर आया है यहाँ पे जेपी पावर के अंदर। और दोस्तों, यहाँ पे आज जो रिजल्ट्स कंपनी यहाँ पे पब्लिश करने वाली है सितंबर क्वार्टर के, तो 69 करोड़ का यहाँ पे कंपनी ने पिछले साल सेम क्वार्टर में यहाँ पे कंपनी ने प्रॉफिट करती हुई नजर आई थी, तो होपफुली यहाँ से प्रॉफिट इनका है जो डबल होता हुआ नजर आ सकता है। तो जेपी पावर में एक तरह से देख सकते हैं कि यहाँ पे अपकमिंग रिजल्ट्स डेट आज का ही रखा गया है, और आज की डेट में कंपनी अपना Q2 क्वार्टर का रिजल्ट्स यहाँ पे पब्लिश कर रही है। दोस्तों, यहाँ पे अगर हम देखें जेपी पावर की अगर कुछ फंडामेंटल की बात करें तो यहाँ पे बेसिकली एक कंपनी है जो पावर सेक्टर से तो बिलोंग करती है, जिसमें कोल माइनिंग, सैंड माइनिंग एंड सीमेंट ग्राइंडिंग, प्रोडक्शन ऑफ थर्मल एंड हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी यहाँ पे जनरेट करती हुई नजर आती है। तो यहाँ पे उत्तराखंड में इनका ऑपरेशन चल रहा है 2007 से अगर हम बात करें तो। यहाँ पे स्टॉक जो पावर प्लांट्स की ऑपरेशंस की बात करते हैं तो जिसमें 400 मेगावाट है, 500 मेगावाट जेपी बीना थर्मल पावर प्लांट सागर के अंदर आपको देखने को मिल रहा है। यहाँ पे अगर आप देखें तो 1320 मेगावाट आपको एक तरह से देखें तो यहाँ पे सिंगरौली डिस्ट्रिक्ट एमपी के अंदर आपको देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पे इनके पास जो कैपेसिटी है एक तरह से कंपनी के पास अभी के टाइम पे 2220 मेगावाट का है, और यहाँ पे 2 मिलियन टन पर एनम सीमेंट ग्राइंडिंग यूनिट्स का है,
2.8 मिलियन टन पर एनम कोल माइनिंग का है। तो यहाँ पे एक तरह से इन सारी चीजों में कंपनी यहाँ पे काम करती हुई नजर आ रही है। दोस्तों अगर हम बात करें इस कंपनी की जो मार्केट कैप है, फिलहाल स्मॉल कैप की कंपनी है, 12,261 करोड़ का मार्केट कैप देखने को मिल रहा है, लेकिन यहाँ पे स्टॉक का जो पी आपको नजर आएगा वो 7.77 का है। तो यहाँ पे स्टॉक की पी ऑलमोस्ट कह सकते हैं कि बहुत अच्छे लेवल पे मिल रहा है, क्योंकि इंडस्ट्री की पी आपको जो देखने को मिलेगा 38 पे है, और इनकी पी अगर 38 तक पहुंचती है तो आप सोच सकते हैं कि आपको कितना रिटर्न बना के दे सकता है ये स्टॉक। 1.72 रुपया का मात्र ईपीएस है अभी के टाइम पे, और 1.72 रुपया की ईपीएस होने के बावजूद भी ये स्टॉक अभी भी आपको 17 से 18 रुपया में देखने को मिल रहा है। दोस्तों यहाँ पे बुक वैल्यू 16.70 रुपया का, और बुक वैल्यू से ये नीचे नहीं जाएगा। तो बुक वैल्यू तक अगर ये स्टॉक जाता है तो अधिक से अधिक बाइंग करके चल सकते हैं इस स्टॉक के अंदर। यहाँ पे प्रमोटर कम होल्डिंग जरूर रखे हुए हैं, 24% का होल्डिंग यहाँ पे प्रमोटर का है, जिसमें से 79.2% होल्डिंग है जो प्लेस्ड है। लेकिन दोस्तों सबसे अच्छी बात यहाँ पे ये है कि इस कंपनी के ऊपर बहुत ज्यादा कर्ज था, 5 ईयर्स बैक देखा जाए तो 23,194 करोड़ का यहाँ पे कर्ज देखने को मिलता था इस कंपनी के ऊपर। लेकिन यहाँ पे कंपनी है जो रिजर्व अब यहाँ पे 4,614 करोड़ कर चुकी है, और डेप्ट को कम करके 4,246 करोड़ कर चुकी है। तो यहाँ पे डेप्ट इक्विटी कंपनी का कम होता हुआ जरूर दिखाई दिया है। तो डेप्ट इक्विटी कम होना एक तरह से यहाँ पे आपके लिए पॉजिटिव भी पॉइंट बन जाता है। दोस्तों ग्राहम नंबर प्राइस के अकॉर्डिंग अगर हम बात करें तो इसकी जो प्राइस एटलीस्ट होनी चाहिए 25.40 रुपया का होना चाहिए। पेट्रोस्की स्कोर की बात करें तो 9 की होनी चाहिए, और FIS एंड DIS की भी अच्छी खासी हिस्सेदारी इस स्टॉक के अंदर फिलहाल देखने को मिल रहे हैं। अगर हम बात करें इस कंपनी के अंदर जो बड़े इंस्टीट्यूशंस हैं अभी के टाइम पे फिलहाल क्या करते हुए नजर आ रहे हैं, अगर हम अभी के टाइम पे अगर हम बात करें दोस्तों, तो फिलहाल जो आप देखोगे तो यहाँ पे FIS हैं जो खास करके बहुत तेजी से खरीदारी कर रहे हैं इस स्टॉक के अंदर, और यहाँ पे जो पब्लिक का जो होल्डिंग है वो कम होता हुआ नजर आ रहा है। आप देख सकते हैं दोस्तों यहाँ पे जो DIS हैं वो यहाँ पे लॉन्ग टर्म में तो बिकवाले किए हैं, लेकिन रिसेंट क्वार्टर की अगर हम बात करें तो यहाँ पे थोड़ी सी खरीदारी भी करते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो एक तरह से कह सकते हैं शेयर होल्डिंग पैटर्न में यहाँ पे प्रमोटर के पास होल्डिंग कम है, लेकिन बड़े इंस्टीट्यूशंस हैं जो यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टेड दिखाई दे रहे हैं, खास करके अगर हम बात करें तो FIS की। दोस्तों यहाँ पे अगर हम बात करें इस कंपनी की जो बैलेंस शीट है, तो बैलेंस शीट में बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट होता हुआ नजर आया है बीते कुछ टाइम से। यहाँ पे अगर आप देखें तो कंटिन्यू कंपनी अपनी बोरोइंग को कम करती हुई दिखाई दे रही है, तो कंटिन्यू अपनी बोरोइंग को कम कर रही है, ये दिखा रही है कि कंपनी आगे चल के बहुत बड़ा एक्शन लेने वाली है, बहुत ज़्यादा तेजी से ग्रो करने वाली है। और यहाँ पे रिजर्व्स कंपनी कंटिन्यू इंक्रीज कर रही है, बोरोइंग कम कर रही है, इसके साथ साथ कंपनी का इन्वेस्टमेंट भी आपको देखने को मिल जाएंगे, इसके साथ साथ कंपनी का CWIP में वर्क आपको देखने को मिल जाएंगे दोस्तों। तो कंपनी टोटल एसेट्स एंड लाइबिलिटीज में भी यहाँ पे इंप्रूवमेंट करती हुई नजर आएगी आने वाले समय में, अभी के टाइम पे भी थोड़ा सा स्टेबल देखने को मिल रहा है टोटल एसेट्स एंड लाइबिलिटीज इस कंपनी का। तो दोस्तों ये था JP पावर का बेसिकली यहाँ पे शॉर्ट फंडामेंटल एनालिसिस, साथ में यहाँ पे Q2 क्वार्टर के रिजल्ट्स के अबाउट अपडेट मैंने आपको दे दिया हूँ। तो यहाँ पे आज की डेट में इस स्टॉक के ऊपर फोकस जरूर रखिएगा। दोस्तों फिर से मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में लेटेस्ट न्यूज के साथ, जब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।